खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है वाराणसी। इसे काशी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी की पहचान घाटों से है। हर दिन वाराणसी के घाटों पर पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ गंगा आरती और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ऐसे में वाराणसी नगर निगम के ने घाटों के रख रखाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। तुगलकी फरमान के तहत अब पंडितों को टैक्स देना होगा, जिसका विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना काल में सरकार क्या कमाई करने का यही एक तरीका रह गया है। वाराणसी की पहचान घाटों से, और इन्हीं घाटों पर हर दिन पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ गंगा आरती और तमाम धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इन आयोजनों से मुख्यतः ब्राह्मण पंडित जुड़े होते हैं। अब इन आयोजनों पर नगर निगम टैक्स वसूलेगा। गंगा आरती से लेकर घाट पर पूजा अनुष्ठान कराने वाले पंडों को अब टैक्स देना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसी है धर्म की रक्षा करने वाली काशी नगरी। अब इस धर्म नगरी के घाट पर अगर धार्मिक आयोजन करेंगे तो आपसे टैक्स वसूला जाएगा। सरकार अब काशी के घाट किनारे बैठने वाले पंडितों वो घाट किनारे होने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी टैक्स वसूलेगी। नगर विकास मंत्रालय द्वारा नगर निगम वाराणसी की सीमा के अंदर नदी के किनारे स्थित घाटों के रखरखाव, संरक्षण और नियंत्रण हेतु उपविधि 2020 के तहत कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत घाट किनारे बैठने वाले पंडितों व घाट किनारे होने वाले आयोजनों पर टैक्स देना होगा। इसके उल्लंघन पर पेनल्टी भी लगेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग कर रहे हैं उनसे 4,000 रुपये प्रतिदिन, और 500 रुपये धार्मिक कार्यक्रम करेगा उससे प्रतिदिन का है। जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं जैसे गंगा आरती वगैरह है उनसे 5,000। नगर निगम की ओर से इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि घाटों पर ब्राह्मणों पुरोहितों को अपनी चौकी लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये है। सांस्कृतिक कार्यक्रम घाट पर आयोजित करने पर 4,000 रुपये प्रतिदिन, धार्मिक कार्य आयोजन पर 500 रुपये प्रतिदिन, सामाजिक कार्य के आयोजन पर 200 रुपये प्रतिदिन। अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो 500 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिदिन जुर्माना भी देना होगा। ब्राह्मण समाज भुखमरी का शिकार है। कोरोना काल में एक एक रुपए के लिए लोग परेशान हैं। खाने खाने को त्राही मचा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये टैक्स लगाकर ब्राह्मण समाज और नाविक समाज के ऊपर जो कुठाराघात करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इसकी आलोचना करती है।
अयोध्या नगरी भी सरकार के इस फैसले से स्तब्ध है। जो शहर राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है, उनका कहना है कि कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों से टैक्स वसूलना अनुचित है। उनके रहने की सुविधा हो और उनके वो रजिस्टर्ड हो और जहां लोग बैठे, जो आने वाले यात्री हैं, जो दान देने वाले हैं, उनको बैठने की सुविधा हो। ये सारी सुविधाएं जो टैक्स लेने की जिम्मेदारी ले रहा है, वो ये सारी सुविधाएं उन पंडों को देना पड़ेगा। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल इस काले कानून को वापस लेने की योगी सरकार से मांग की है। काशी वाराणसी नगर निगम द्वारा जो घाटों पर आयोजन के लिए, कर्मकांड के लिए, तीर्थ पुरोहितों पर आरती के लिए, जो गंगा आरती होती है, उन सब के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित समाज उसका संपूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि ये काला आदेश वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में इस तरह के फैसले को लागू किए जाने से ब्राह्मण और पंडा समाज काफी आहत है। यह समाज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अब अगर पंडित या फिर ब्राह्मण गंगा किनारे पूजा पाठ कराएंगे तो उन्हें टैक्स देना होगा। आज के यही हमारा मुद्दा है और ऐसे में क्या ये टैक्स सही है या गलत, बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है वो जरा सुनिए, क्योंकि क्या वाराणसी में जजिया टैक्स की वापसी हो गई है ये समझा जाए। इसके अलावा पुजारियों पर टैक्स लगाना कहां तक उचित है। सवाल नंबर तीसरा कि क्या घाटों का संरक्षण सरकार नहीं कर सकती है। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि अब पूजा टैक्स पर क्या प्रधानमंत्री की सहमति थी। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, राजीव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है राजीव जी जुड़ने के लिए। कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के हैं, बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी जुड़ने के लिए। जितेंद्र आनंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय संत समिति से, बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, ये गंगा सेवा निधि से हैं ये अध्यक्ष, लेकिन फिलहाल अभी रुक करती हूँ मैं जितेंद्र जी का। सबसे पहले जितेंद्र जी, इस फैसले को कैसा, किस तरह से वहां पर लोग देख रहे हैं, क्या ये सही है टैक्स वसूलना? यह टैक्स वापस हो चुका है जो सवेरे परिपत्र जारी हुआ था। दिन भर समाज के प्रबल प्रतिरोध के कारण इसको वापस लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी वापस हो जाने के बाद भी एक बात मैं कहूंगा कि धर्म के आधार पे किसी भी समाज के ऊपर टैक्स का निर्धारण करना पंजीयन की आड़ में अथवा कार्यक्रमों की आड़ में ये ठीक प्रथा नहीं है। ये तब मुगल समय में कोशिश हुई थी, अंग्रेजों के समय में भी कोशिश हुई थी, और ये वापस होने के साथ हमने एक बात जरूर कही है, माननीय धर्मार्थ मंत्री का बयान भी आ गया है जी। मीडिया के पास अधिकृत बयान उपलब्ध है, अभी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पे सफाई देंगे, लेकिन हमने एक बात अधिकारियों से पूछी जी। ये सब कुछ हुआ किसकी सहमति से, किसकी मिली भगत से, कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी इस योजना को बना रहा था, और क्या समाज से पूछा गया अथवा धर्म के आधार पर टैक्स निर्धारण के समय भारतीय संविधान के अंदर धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी, अथवा कि घाटों पर आप धार्मिक क्रियाकलाप की आड़ के नाम पर किसी भी तरीके का टैक्स लगाने के लिए इन मूर्ख निरक्षर भ्रष्टाचार अधिकारियों को किसने सलाह दी थी? इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस तरीके की आग लगाने के पीछे कुछ ऐसे सुनियोजित लोग हों जिनको हम कहें सुपारी किलर टाइप, जो ऐसा वातावरण खराब करके समाज के बीच में एकदम वातावरण खराब करने पे लगे हो।
बिल्कुल, आपने एक बात सही कही कि स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का ये उल्लंघन है और ये आर्टिकल 25 में और 28 में वैसे भी ये दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद किया जा रहा है। खैर, मैं जितेंद्र कपीश जी का भी रुख करूंगी, राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, भले ही अब इस फैसले को वापस लेने की बात कही जा रही हो, लेकिन क्या ऐसे फैसले लेने से पहले क्या कोई होमवर्क नहीं किया जाता? बिना होमवर्क के यहां पर आदेश दे दिया जाता है? जब विरोध हुआ, मीडिया में खबर आई, तब जाकर अब इस पर वापसी की बात की जा रही है, वापस लेने की बात की जा रही है। दीपाली जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये सोचने की बात है, इसकी जांच होगी और क्या हुआ, इसमें क्यों बैठक हुई, कैसे टैक्स लगा, इसकी भी अभी चल रही, कमिश्नर ने वापस कर दिया है और निश्चित इसको वापस भी करना चाहिए था। धार्मिक समाज में जहाँ पे वो बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे बैठे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ होती है, आरती, गंगा आरती होती है, एक और सच में मोक्ष धाम है, आदमी पूरे देश से आता है वहाँ पे मोक्ष धाम, अगर बनारस को मेन मोक्ष धाम कहा जाता है, उस मोक्ष धाम में भी ये टैक्स नहीं होना चाहिए और निश्चित ये टैक्स जिसने भी लगाया इस पे जांच होगी और निश्चित इस पे कार्रवाई होगी। या मैं आपको बता रहा हूं, राजीव जी, नगर निगम ने ये फैसला लिया था, तो क्या नगर निगम बिना सोचे समझे यहां पर ले लेगा? क्योंकि यहां पर नीलकंठ तिवारी जी जो खुद यहां पर हैं, पाली जी, अब तो ये वापस हो चुका है। एक सेकंड, इससे पहले भी ये वापस होने के बाद वापस क्यों हुआ ये भी आप देखिए, क्योंकि सुबह से इस पर विरोध हो रहा है। ये ऐसे कैसे कौन नियम लगा लेता है टैक्स ऐसे कैसे वसूलने के लिए? नियत तो पता चल गई ना सर यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही, लेकिन एक चीज बता रहे चाह रहे, पहली बात पूरे देश में नहीं, पूरे देश से बनारस में आते हैं मोक्ष धाम के लिए अपनी बॉडी लेके, और एक एक ऐसा मोक्ष धाम है जहां पे रात दिन जलाने का दिन होता है, जैसे बहुत जगह सूरज के पास लाश नहीं जलाई जा सकती, लेकिन एक बनारस ऐसा है कि रात में भी वहां पे जलाया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपको निश्चित बता रहा हूँ, ये जो भी किया, जिसने भी किया, इसपे भी निश्चित अभी बात चल रही है, कमिश्नर साहब ने वापस हो गई है, इसके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्या हुआ। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जहां पे पूजा पाठ होती है, जहां पे स्थान होता है, जब गंगा की आरती होती है, बनारस ऐसी नगरी है, वहां पे पूजा होती है, पूरे देश से आदमी वहां जाता है अपने पिंड दान करने और हर चीज कराने, लेकिन ये चीज अगर जिसने लगाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित उस पर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये फैसला ऐसे कैसे सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है कपिश जी। यहाँ पर सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, विरोध होता है, मीडिया में ये खबर सामने जब आती है, तब जाकर शाम तक अब ये बात हो रही है कि इस पर इसको वापस लिया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बात सामने आ जाती है, पंडों के लिए यहाँ पर अब नहीं सोच रहे हैं, घाटों के लिए, जिस घाट को क्योटो बनाने की बात की जा रही थी, उस वहां से टैक्स वसूलने का सोच भी कैसे सकते हैं ये लोग? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये टैक्स, जैसा कि ये बता रहे हैं कि वापस ले लिया गया है या ले लिया जाएगा, जो कुछ भी हो, अभी तो ये आखिरी नहीं कहा जा सकता कि वापस हो। एक बात हम जरूर कहेंगे कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर नगर नियम अधिनियम जो है 1959 के अंदर पारित हुआ था और लागू है, जिसमें तमाम संशोधन भी हुए हैं, उसमें धारा 540 के अंतर्गत विधि बनाने की क्षमता है वो लोकल उसको भी दी गई है और सरकार को। कोई भी सर्कुलर अगर आता है तो सबसे पहली चीज तो यही है कि सर्कुलर बनता कैसे, बिना क्या मेयर के राय के, बिना इनके परामर्श के, बिना सरकार के परामर्श के ये चीजें नहीं आई हुई। ये सारी लोगों को जानकारी थी, क्योंकि ये एक ऐसे नीतिगत फैसले को ले लिए थे और लागू करते ही, लोगों के पता चलते ही तमाम विरोध उछल करके सामने आ गए, तो एक बड़ा तबका भी इसका विरोध किया और सारे के सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्होंने एक सुर में इसकी बानगी दी कि ये काम जो है जजिया कर जैसे हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की आस्थाओं को साथ में लेकर के चलती रही है उन्हीं को छलने का भी काम समय समय पे करती रही है। इसी तरीके का एक हार्ड डिसीजन लिया गया था कहने के लिए बनारस को क्योटो बनाने के लिए, कि तमाम पुराने और प्राचीन मंदिरों को रौंद दिया गया और उनको यह भी नहीं हुआ कि न्यू से उखाड़ के कहीं और स्थापित कर दिया जाए, देवालय थे, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। आप दोनों तरीके से काम कर सकते थे, अब तो ये टेक्नोलॉजी है कि आप दोनों तरह से काम कर सकते थे, बकायदा न्यू के साथ उनको शिफ्ट कराया जा सकता था, कॉरिडोर आप बना लेते,
अपनी सारी चीजें कर लेते, लेकिन वो नहीं किया। अगर शायद कोई और सरकार कर रही होती तो आज पूरे भारत में ये आग लगा चुके होते। ये जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने देखिए कभी भी संविधान के अंदर रहते हुए संविधान की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा से नागपुर का संघ का विधान लागू करना चाहते हैं, और संघ का विधान बहुत सीधा है कि कैसे कहां से रक्त शोषण कर लिया जाए। तो अब हमारे धार्मिक लोगों पे भी इन्होंने टैक्स लगाने की बात की। जो पंडे पंडा हैं ये कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, ये पवित्र काम करते हैं, और ये पवित्र काम संविधान के अंदर उनको दिया गया है, उनकी रक्षा की मौलिक अधिकार दिया गया है, उस पर आप टैक्सेशन नहीं कर सकते हैं। धारा 540 से लेके 549 तक का नगर निगम एक्ट पढ़ लें राजीव मिश्रा जी, और पूछें कि आखिर ये नगर निगम का जो आयुक्त था ये कैसे बना लिया सर्कुलर, क्या बिना मेयर के बना लिया, या सरकार को ये जानकारी नहीं बना लिया, कैसे किसी को नहीं पता चला। जब धर्माधिकारी मंत्री हैं यहाँ पर नीलकंठ जी, वहीं से दक्षिणी शहर से आते हैं वो, वहां से विधायक हैं, बिना उनकी सहमति के इतना बड़ा सर्कुलर जारी हो गया, और अब आप भले ही कह रहे हो कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे कैसे सर्कुलर यहाँ पर सर्कुलेट हो जाता है? राजीव जी देखिए बिल्कुल आपने जो बात बताई है, लेकिन जो जिस तरह से आया है, जिस तरह से उसमें अधिकारी बैठी है, उसमें सदन होता है, सदन में मेगर बैठता है, उसके बाद मुखनगरकारी बैठता है, अभी ऐसी कार्रवाई अभी नहीं हुई, और इसको तत्काल वापस हुआ, जैसे ही पता चला वैसे वापस हुआ सरकार, और निश्चित इस पे वापस हुआ, कहां पे चूक हुई है, ये चीज जांच के बाद किसे आएगा, कोई अधिकारी का भी पुष्टि नहीं हुई है, ये निश्चित हो गया, बिल्कुल नए अधिकारी पुष्टि हो चुकी है और निश्चित ये वापस हो गया है। मतलब अगर ये विरोध नहीं होता तो ये वापस नहीं होता, इस पर सोचा नहीं जाता? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए विरोध अगर कहीं ना कहीं कुछ है, लग रहा कहीं ना कुछ है, तो इसकी जांच तो हो रही है और निश्चित इस पे कार्रवाई होगी, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करिए। चलिए यहाँ पर जितेंद्र जी आप बताइए, जितेंद्र आप बहुत अच्छे से जानते होंगे वहाँ के क्या हालात हैं, जिसको लेकर ये टैक्स की बात की जा रही है, अगर ये वापस भी लिया जा रहा है तो आगे भी ऐसा ना सोचे तुगलक की फरमान की इसे लागू करने की सोचे भी, तो जरा बताइए इन लोगों को सबको कि क्या घाटों के हालात हैं, क्या वहाँ के पंडों के हालात हैं, लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जरा बताइए आनंद जी। लॉकडाउन से घाटों के नीतिगत फैसले को न जोड़ना तो अच्छा होगा। पूरे देश में इस लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है, जो हालात पूरे देश में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की है, वही घाट के पंडों की भी है और सामान्य समाज की भी है, और जो छोटे स्तर पे काम करते हैं पत्रकार उनके भी वही हालात हैं। लेकिन ये विषय दूसरा है, ये विषय ये है कि क्या देश में धर्म के आधार पर धार्मिक क्रियाकलापों पर टैक्स लगाया जा सकता है, टैक्स का निर्धारण किया जा सकता है, ये विषय है, विषय ये नहीं है। टैक्स वापस हो चुका है एक प्रश्न है, लेकिन इस तरीके के टैक्स लगाने की रचना करने की सलाह देने वाले ब्यूरोक्रेट्स कौन से हैं, इनके पर मैं वो समाजवादी पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे उनकी एक बात से मैं एग्री नहीं था। मैं उनसे कहूंगा कि ठीक है राजनीतिक विरोध आप लोगों का आपस का विषय है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार वेटिकन सिटी में 5 लाख लोग खड़े हो सकते हैं जी, जिस प्रकार मक्का में 5 लाख के आसपास मुसलमान हज कर सकता है, इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में भी ये हो सकता था, और ये विकास हो रहा है कि जहाँ पे बाबा के दरबार में 1 लाख 2 लाख लोग खड़े हो सके। सवाल ये था कि इसमें जो हवा बनाया गया कि ये मूर्ति टूटी हो टूटी, तो श्री काशी विद्वत परिषद जो 500 वर्ष पुरानी काशी के विद्वानों की संस्था है, शास्त्रों के आधार पर निर्णय करती है, तो कुछ लोग राजनीतिक विरोध करते होंगे, लेकिन विद्वत परिषद ने कहा कि शास्त्र का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। जो कुछ हो रहा है चालन पद्धति से मूर्तियों का स्थानांतरण, ये सब कुछ धार्मिक है। तो धर्म के ठीक है, राजनीति में आप एक दूसरे का विरोध करिए, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष कमजोर है, अगर समाजवादी पार्टी को कुछ धर्म क्षेत्र से तर्क चाहिए तो आप हम लोगों से भी तर्क लीजिए, ये हमारा ऑफर है। सवाल यह है कि इस देश के नागरिकों के लिए आप राजनीति कर रहे हैं जी। आप राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे ही भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप तथ्यों के आधार पे करें,
हम आपका स्वागत करते हैं। ये कानून जो यहाँ पे एक नियम ला रहे थे, ये नियम हटा। मैं उनसे बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा कि आप अपने बॉस लोगों को बताइए, संगठन के अंदर बताइए कि ये गलत तरीका है, और किसी भी गलत तरीके को समाज के अंदर जो न्यूट्रल है, साधु संत है, वो नहीं स्वीकार करेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ। सुशांत मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि के। बहुत स्वागत है सुशांत जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ने के लिए। सुशांत जी, अभी ये वापस तो लिया गया है फैसला विरोध के बाद कि टैक्स अब नहीं लगेगा, इस पर कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये कैसे सर्कुलर जारी हो जाता है बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से पूरा दिन यहाँ पर विरोध जताना पड़ा, तब जाके इसे अब वापस ले लिया गया है। सुशांत जी आवाज मिल रही है मेरी? तो चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर राजीव जी सवाल फिर वही उठ रहा है बार बार, क्योंकि अब ऐसे में इस तरीके के नियम अगर लागू करे जाते हैं या सर्कुलर जारी किया जाता है, तो ये आप इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि जांच की जाएगी, जिस तरीके से कहा जा रहा है। यहाँ पर जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि किसने यहाँ पर ये गलती करी, पहले मैं प्रिय मित्र का जवाब दे दूं। जिस तरह से उन्होंने अभी हमको बताया कि मेरी सरकार ने काम नहीं किया, बनारस की जरा आप धरती पे जाके देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, हम मोदी जी ने जो घाटों का सुंदरीकरण किया, जो पानी का प्रभाव बढ़िया करा, जल बिल्कुल शुद्धिकरण किया, आज देख के आइए काशी विश्वनाथ दिख रहा है कि कितना वाहन दिख रहा है, जितनी भीड़ लगती थी आज उन आसान से चले जाते यात्री, दर्शन करते हैं, खड़े रहते हैं 1 घंटा, पहले कहाँ सड़कों पे रहते थे, आज मंदिरों के अंदर रहते हैं। अगर ये काम किसने किया, ये मोदी मतलब जी ने किया, और जो काम आज बनारस की देख रहे हैं पूरा, नहीं टैक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे मित्र ने जवाब वो बताया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि काम कैसे नहीं हुआ। जिस तरह से विकास की गंगा कभी आपने सोची थी, बनारस में विकास की गंगा बहा दी नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिस तरह से विकास चल रहा है बनारस में, इतिहास रच दिया बनारस में, कभी बनारस इतना बढ़िया विकास हुआ था, प्रधानमंत्री ने की भी बात आई। खैर आप जो बने रहे हमारे साथ सुशांत मिश्र, बात तुरंत वापस हो गई मेरी प्रिय मित्र आपके पास राजीव जी। सुशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, किस तरीके से लिया आपने ये जो फैसला लिया गया था, हालांकि अब इसे वापस लिया जा रहा है, लेकिन नियति तो पता चली है यहाँ पर। जी मैम, नमस्कार सभी लोगों को, और मेरा नाम सुशांत है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये जो धार्मिक आयोजनों पे और जिस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगाने की बात हो रही थी, ये इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काशी के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो काफी गरीब वर्गीय परिवार से हैं, जिनका रोज अगर आप 12 महीने की बात करें तो 12 महीना भी उनका ठीक तरीके से घाट नहीं चल पाता है यहाँ पे, जिस वजह से कि 4 से 5 महीना बाढ़ रहती है और उन लोगों की काफी समस्याएं होती हैं। और गंगा आरती के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात हो रही थी, तो इसमें ये है कि जैसे जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी या जो भी श्रद्धालु यहाँ पे जो देश के दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं भगवती की आरती देखने, तो ऐसा नहीं है संस्था द्वारा भी ना ही इन लोगों से आने पे, या यहाँ पे जो भी संस्थाएं द्वारा तमाम दर्शनार्थियों के लिए या जो VVIP आते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जाता है। गंगा आरती जो है वो आम दर्शनार्थियों को देखने के लिए पूरे तरीके से फ्री है, और संस्था की तरफ से उनके लिए हर संभव प्रयास भी किया जाता है। तो इस तरीके का निर्णय से कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था पे खेस जरूर पहुंची है जी। लेकिन सुशांत जी, क्या इसे ऐसा मानते हैं कि अगर चलिए पंडों से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं अगर उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो हालात हैं और सुधरें और सुंदरता उसकी बढ़े, और लोग जो साफ सफाई नहीं रखते हैं शायद टैक्स देंगे तो उस हिसाब से अपने आप को भी रखेंगे, क्या ये इसे मानते हैं, इस तरीके की सोच होगी, हो सकता है? देखिए मैम, इसमें मेरा ये सोचना है कि धार्मिक जो ये हमारे भारतीय समाज की हजारों वर्षों की पुरानी परंपरा है, और भगवती की आराधना और उनकी जो पूजा करते हैं हम, ये भी उस एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा है, और इस तरीके से टैक्स लगा देना इसके ऊपर, अगर बात की जाए साफ सफाई की भी, तो ये बात भी है
कि पहले के मुकाबले अभी जो घाटों की अगर आप साफ सफाई की मेंटेनेंस की बात करें तो वो काफी बेहतर है। ये आप यहाँ पे आप आएंगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे काफी सही है, लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस के तौर पे अगर कुछ शर्तों के तहत या कोई चीजें या कोई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से धार्मिक आयोजनों पे टैक्स लगाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। जी बने रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि इस फैसले को लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सोचा और किस तरह के किसने इसे सर्कुलेट किया, क्या बिना सोचे समझे इस पर बिना विचार किए ही इसे जारी करने की कोशिश की जा रही थी इस निर्देश को, इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। जजिया टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ये सुबह से ही हम ये खबर दिखा रहे थे और इसी खबर का आखिरकार असर हुआ, क्योंकि अभी हमने बताया है कि इस मामले को वापस लेने की बात की जा रही है। ऐसे में कुछ ही देर पहले यहाँ पर धर्मांत कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी का बयान भी आया है, तीर्थ पुरोहितों पर लगने वाला शुल्क अनिवार्य नहीं होगा, कोई बाध्य नहीं होगा, जिनको शुल्क नहीं देना है वो ना दें, धार्मिक आयोजनों पर भी ये अनिवार्य नहीं है। धर्मांत कार्य मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, जिन्होंने कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि ये जो शुल्क लगाया गया है ये बाध्य नहीं होगा। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, यहाँ पर जनता टीवी की खबर का तो असर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इस पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस पर जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी कि किसने इसे इस सर्कुलर को जारी किया है। देखिए दीपाली, एक बड़ा असर हुआ है और ये जो खबर का असर हुआ है ये यूं ही नहीं हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है कि खबर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है, वहां से बकायदे मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया गया है और उसके बाद फिर वहां से धर्मार्थ कार्य मंत्री कहा गया है, तब जाकर इस खबर का असर हुआ है। क्योंकि ये जो नगर निगम की तरफ से ये शुल्क लगाने की जो मंशा थी नगर निगम की, ये वो मंशा थी जो इसके पहले हमने कभी इतिहास में पढ़ा था। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इस जजिया कर को हटाया था, उसके 300 साल बाद इस तरीके का टैक्स लगाने की किसी नगर निगम ने हिमाकत की। तो एक बड़ा मामला था और इस मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो हमें जानकारी है। तो अब नगर जो धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं उनका बयान आ गया है कि हम इसको वापस लेने जा रहे हैं, हालांकि अभी तक नगर निगम से इसको लेकर इसके रद्द होने की जो सूचना है वो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन वो जारी हो जाएगी बकायदे कुछ समय में, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कमिश्नर या अधिसूचना जारी करे। बड़ा सवाल यही है कि कौन से ऐसे अधिकारी थे जो इस तरीके की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बनारस एक परंपराओं का शहर है, एक है कि सांस्कृतिक राजधानी है देश की। तो आप अगर संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, आप परंपरा को नहीं समझ रहे हैं, 100 रुपए हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ साल का 100 रुपए ही ले रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आप शुल्क कितना ले रहे हैं, सवाल ये है कि आप शुल्क लेने की बात ही कैसे सोच सकते हैं। तो हमारे खबर का एक बड़ा असर हुआ है और अब इस फैसले को वापस लेने की तैयारी में है नगर निगम भी। जी अमित, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, क्या इसे माना जाए कि ये इतना आसान था कि बस ये कहकर चुप हो जाना कि कार्रवाई होगी, इस पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? पिछले कुछ महीनों से आप नगर निगम के कामकाज को देखें या कुछ फैसलों को आप देखें तो आपको लगेगा कि बहुत गंभीरता दिख नहीं रही है। जो अधिकारी फैसला ले रहे हैं वो न तो जन प्रतिनिधियों से सही तरीके से बात करते हैं, न धार्मिक संगठनों सांस्कृतिक संगठनों से कोई बात करते हैं। एक ऐसा ही फैसला अधिकारियों ने इसके पहले भी लेने की कोशिश की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आप परंपरागत वेशभूषा में ही जाएंगे तभी आपको दर्शन की अनुमति मिलेगी। इसको लेकर भी जब मीडिया ने खबर दिखानी शुरू की तो फिर धर्मार्थ विभाग से एक बाकायदे एक नोटिफिकेशन आता है कि ऐसा कोई फैसला हम लेने नहीं जा रहे हैं। तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इसमें अब कोई दो मत नहीं है, क्योंकि फैसला
लेने से पहले न तो जनप्रतिनिधियों से बात हो रही है और न ही धार्मिक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुखों से। जब आपको परंपरा का ही नहीं पता है, संस्कृति का ही नहीं पता है, तो आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अमित ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। कपीश श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा संवाददाता ये बता रहे थे, यानी कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जब खबर पहुंचती है, जब ये खबर मीडिया दिखाता है, जब हमने प्रमुखता से दिखाया, तब जाके इस फैसले को पलटने की कोशिश हुई। लेकिन कैसे ही पूरा सर्कुलर जारी हो जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर जो राजीव जी आराम से कह दे रहे हैं कि बस कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी तय होगी। देखिए दीपाली जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कह दूं कि बिना उत्तर प्रदेश सरकार के जानकारी के ये सर्कुलर बना ही नहीं। ये प्रियमो के अंदर जब आप लोगों ने समाचार सुबह से करके दिखाना शुरू किया है, तमाम राजनीतिक दलों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी भी मुखर रूप से विरोध करते हुए सामने आई है, और भी तमाम समाज के लोग, संगठन और एनजीओस के लोग सामने आए हैं, तब इन लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये जजिया कर जो हम लगाने जा रहे हैं, ये इससे जो है सरकार की बड़ी किरकिरी हो जाएगी, तो ये कदम पीछे खींचने की बात कर रहे हैं। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, जो ये अभी धर्मार्थ कार्य मंत्री इन्होंने कहा कि जिसको देना हो वो दे, जिसको ना देना हो ये ना दे, ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसके मतलब आप उसी के साथ खड़े हैं जिसकी मंशा ना हो देने की वो मत दे, और जिसको देने की मंशा हो दे दे, तो इसका मतलब तो है कि आपने पीछे नहीं लिया, यानी आप में अभी भी सोच विचार इस पर लेकर के चल रहा है। और हकीकत क्या है कि ये संविधान विरुद्ध काम है। हकीकत क्या है कि नगर निगम के अधिनियम के विरुद्ध काम है, क्योंकि 541 से लेके 549 तक में ये कहीं भी प्रावधान नहीं है कि घाटों पे या इस तरीके के मंदिरों पे आप टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि नगर निगम जो है वो टैक्स मंदिरों पे और घाटों पे नहीं लगा सकता है, आज तक पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं लगा है। तो ये चीज समझनी चाहिए इनको कि ये कहां से बात करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। तो हकीकत तो यही है कि आपने अगर ये मुखर रूप से न्यूज ना उठाया होता, विरोधी दलों ने इसका विरोध ना किया होता, तो शायद आज इस तरीके का मामला बनता नहीं दिखता कि जिसमें एक बहुत बड़ा जो इन्होंने गलत कदम उठा लिया था उससे इन्हें को पीछे हटना। बिल्कुल आनंद जी महाराज, ये क्या लग रहा है कि वाकई वहां पर नगर निगम अपनी मर्जी से ये सारे फैसले ले रहा है, क्योंकि आप ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, जिस तरीके से अमित सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कई ऐसे चीजें वहां पर हो रही हैं जो बिना सोचे समझे, बिना वहां पर जनप्रतिनिधियों से पूछे या धार्मिक जो जिससे जुड़े हुए हैं उनसे पूछे हुए ले रहा है, तो क्या लग रहा है वहां बिना सोचे समझे कार्य हो रहे हैं? जो हमारी समझ कहती है वो अधिकारियों के लिए अवसर होता है, क्योंकि अब कोरोना के कारण जनप्रतिनिधि घरों से नहीं निकले, कोरोना के कारण अगर मान लीजिए विरोध करने सड़कों पे उतरेंगे तो दफा 188 में चालान काट दिया जाएगा, विरोध नहीं हो सकता, तो विरोध नहीं हो सकता, जनता सड़क पे उतर नहीं सकती, इसका लाभ जो धूर्त और भ्रष्ट किस्म के अधिकारी होते हैं, चाहे सत्ता और सरकार किसी की भी हो, वो इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी अवसर का लाभ उठा करके वाराणसी नगर निगम के कर्मचारियों ने पिछले 4 महीने में कुछ अच्छा तो बेचारे कर नहीं पाए, वो कहे कि चलो लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया में टूट रहा है, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा कर दो कि नगर निगम भी चर्चित हो जाए, तो ये पाप है। मेरा मानना है, सन्यासी हूँ इसलिए इस बात को कहूंगा कि अधर्म है, लेकिन दूसरी बात कि ये गैर कानूनी है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं इतना ही सलाह दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, आपका धार्मिक नजरिया बेहतर है, आपके संतों के बारे में सोच बेहतर है, वाराणसी का निसंदेह विकास आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, प्रधानमंत्री का यह क्षेत्र है, एक रोल मॉडल है, लेकिन वहीं पे इस तरीके से कहीं काला धब्बा भी, इस तरीके के निर्णय कहीं न कहीं आलोचना के नजरिए से देखे जाते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि विपक्ष गलत कर रहा है। विपक्ष को अपनी आवाज और तेज उठानी चाहिए, और हम स्वतंत्र देश में धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का टैक्स का भुगतान करने को बाध्य नहीं है, ये
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही समझना चाहिए। जी राजीव जी, ये महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदन होता है, सदन में नगर निगम बुलाया जाता है, पूरे सदन आता है, विपक्ष पक्ष होता है, उसके बाद मेयर बुलाए जाते हैं, सारे सदन बुला के तब कोई पारित होता है। अब ये कहाँ पे क्या हुआ ये दिन में देखना है, लेकिन ये जहां से तक मेरी राय है कि ये वापस ले लिया गया। एक चीज और बताना चाहते हैं, मेरे मित्र अभी बता रहे थे पूरे विश्व में काशी का नाम है, 6 साल में जो काशी का विकास हुआ, इन्हें विपक्ष आईना देख ले, जिस तरह से पूरे विश्व में काशी का नाम चल रहा है और जिस तरह से विकास की गंगा बहाई गई है, और जिस तरह से विकास की गंगा बहाई गई, सोचने वाली बात है। आज जिस तरह से काशी को दिख रहा है, आज पूरे विश्व में पटल पर काशी नाम है। ये काम अगर किसी ने किया तो भाई नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, और जो काम किया वो चीज देखने वाली है। आप विकास की गंगा बहाई है, और काशी आप कह रहे थे ये, आप कह रहे थे वो, आज जरा देख के आइए, पहले काशी देखिए 6 साल में जो काशी बदल गई है, पिछले 6 सालों में किया है। तो राजीव मिश्रा जी उधर आप मत जाए, आज जिस पर डिबेट है उस टॉपिक को वहां केंद्रित करें। आप जिस तरह से काशी आज घाटों का सुंदरीकरण हुआ, नदियों का सुंदरीकरण, गंगा को साफ करने का काम किया, पूरा जाल बिछा दिया विकास का, अगर किसी ने बिछाया तो सच में नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिछाया। आज आप 6 साल की बात करो, विश्व पटल पर काशी का नाम है, वो नहीं हुआ है। आप खुद देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से लेके लाल के सपने देखना बंद करिए, और मेरे मीडिया बंदी से पूछिए किस तरह का विकास हुआ। ये आप वहाँ बनारस की जनता से पूछिए। राजीव जी बात ये नहीं है विकास हुआ कितना हुआ बनारस की। राजीव जी एक मिनट, ये तो हम भी सुन रहे हैं, और ये मेरे मित्र जो मुझसे बता रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनको वो जवाब दे रहा हूँ। बीस पटल पे काशी का नाम दर्ज हो गया, सही बात पे बता ही नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर से प्रधानमंत्री को शहर को जोड़ने वाली गोरखपुर के आधार पे आपको बता रहे, राजमार्ग में 6 साल में काशी ये जो सड़क है वो गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, या अगर विकास का क्या देखने वाला है आपको, क्या आपने वाराणसी को क्योटो बना दिया है, कहीं हुआ तो काशी में हुआ, आपने क्या बनारस को क्योटो बना दिया, आपको ये 6 साल मिल चुके हैं, 7वें साल में आप जा रहे हैं, बिल्कुल बना दिया, आप देख नहीं रहे हो क्या, तो आप रह बना दिया। चलिए ठीक है, इसका जवाब देते हैं, बात हो रही है, तो एक सेकंड, एक सेकंड राजीव जी, विकास पर बात हो रही है क्योंकि हमारे साथ सुशांत भी जुड़े हुए हैं, एक मिनट। बनारस का कोई विकास नहीं किया है, कोई जो खुद बनारस से हैं, क्योंकि आप तो अभी हैं नहीं वहां पर, ठीक है राजीव जी एक सेकंड, क्योंकि आप तो आपकी सरकार है तो आप तारीफ करेंगे, लेकिन सुशांत भी हमारे साथ बने हुए। सुशांत जरा बताइए क्या हकीकत है वहां पर, क्योंकि अब बात टैक्स की हो रही थी, लेकिन उसके साथ ये भी मामला जुड़ गया कि कितना विकास हुआ है, क्योंकि इस पर बात ये भी आती है कि कितने घाटों को गोद भी लिया गया था, और नमामि गंगे योजना के तहत भी यहाँ पर कहा गया था कि घाटों का विकास होगा, और ये जो टैक्स लगाया जा रहा था उस पर भी यही कहा जा रहा था कि अगर ये टैक्स वसूला जाएगा तो उसका सौंदर्यीकरण और अच्छा होगा, तो हकीकत बताइए सुशांत। सुशांत मेरी आवाज मिल रही है आपको, तो फिर से लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर राजीव जी सवाल यही उठ रहा है, विकास जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ विकास सरकार ने नहीं किया, जिनकी भागीदारी है वो यही पंडे हैं, यही धार्मिक धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो हैं, उनकी वजह से आज वाराणसी की जो सौंदर्यता है वो बनी हुई है, और अगर उन्हीं से टैक्स वसूला जाता, बिल्कुल सही आप कह रही हैं दीपाली जी, एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, मैं इस चीज को बिल्कुल बताना चाहता हूँ, जो काशी में काशी एक सच में काशी है और पूरे विश्व पटल पे काशी का नाम है, मैं इस चीज लिए जरूर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे मित्र कह रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के कहिए, जो 6 साल में काशी बदल गया और काशी जिस तरह से बदलता चला जा रहा है, और निश्चित गली कूचे तक काशी में विकास होना चालू हो गया, और जिस तरह से काशी चल विकास हो रहा है, विकास की गंगा बहा रहे, पहले भी घाटे थे, आज घाट कितनी अच्छी सुंदर होने जा रही, निर्मल जल हो गया है, ये सब किसकी देन है, ये भाई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी की जो देन है, उत्तर प्रदेश योगी की देन है, और जिस तरह से विकास किया और विकास का नाम की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे थे हमसे, और आज आप काशी देख के आइए, मंदिरों के बीच में जंगे जंगे पे चौड़ा पंथ खड़ा है, मकान खरीदे गए वहां से, मकान खरीद के उनको पैसा दिया गया कमर्शियल रेट, और आज विकास काशी का दिख रहा है आपको,
राजीव जी, लेकिन जब टैक्स वसूलने की बात आती है तो फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुँचती है, तब जाकर यहाँ पर इसे वापस लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दीपाली जी, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी की चूक हो सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित इस पर होगी, और ये चीज़ वापस भी ले लिया गया है, ये निश्चित वापस लिया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र जिस तरह से बात बता रहे थे, अरे जब भी आप भी मीडिया में हैं, आप उनको जरा बता दीजिए, 6 साल का आईना दिखा दीजिए जिस तरह से काशी का विकास हुआ है और काशी में कितने पुल बने, काफी चीजें राजीव मिश्रा जी कह लिया, मुझे बातें कहने दे। बोलिए बोलिए कपिल। अब राजीव मिश्रा जी हमारे मित्र हैं और मैं समझता हूं कि वो अब हमें भी शांति से सुनेंगे। मैं अब ये तो बात विकास पर लेकर के आगे है, तो मैं एक बहुत बड़ी चीज कह रहा हूँ आपसे कि 6 साल के अंदर इन्होंने बनारस को क्योटो बना दिया। अभी इन्होंने एक बात कही, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बनारस के गंगा घाटों को आपको सुंदरीकरण कर देने से या कॉरिडोर विकसित कर देने से बनारस जो है वो क्योटो नहीं हो जाएगा, या बाबरपुर हवाई अड्डा से आपने लिंक रोड और पुल बना देने से नहीं हो जाएगा। मैं तो सबसे बड़ी बात ये पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से मैं आता हूँ, गोरखपुर से जो बनारस का राजमार्ग है, नेशनल हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ माननीय मिश्रा जी, ये प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ती है, ये गड्ढे में है, रोड गड्ढे में है, खोजना पड़ेगा कि कहां गड्ढा है। अगर मैं गलत कह रहा हूंगा तो आप जो कहिएगा मैं हारने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात आपको कह दूं, गोरखपुर मिश्रा जी पूरी बात सुन ले फिर जवाब दीजिएगा। विकास की बात कर रहे हैं तो गोरखपुर की पूरी बात सुन लीजिए, बनारस गोरखपुर की गोरखपुर की नहीं है, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, सुन ले पहले पूरी बात आ जाने दें। दूसरी बात मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के भी मानक पे भारत में या उत्तर प्रदेश में जो शहर जहाँ खड़े हैं वहीं पर आज भी आपका बनारस खड़ा है। बनारस कोई क्योटो नहीं बना, ये दुनिया जानती है इस बात को। बनारस के जो साड़ी उद्योग था उसको भारी धक्का लगा हुआ है, भारी धक्का लगा हुआ है, वहाँ उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए हैं। आप हमें बताइए कि बनारस के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज आपने दे दिए, एक बार आईना देख लीजिए, विकास का संस्थान दे दिए, एक बार कितने आईना देख लीजिए, विकास का जो काशी में हुआ है, जरा काशी से गलियों से लेकर कुर्सियों तक का देखिए, ये जो विकास के दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर क्यों फिर जरूरत पड़ी कि टैक्स वसूलने की, पंडों से टैक्स वसूलने की। एक सेकंड कपीश जी, एक सेकंड जरा, ठीक है कपीश जी, सुन लिया आपकी बात। आनंद जी, यहाँ पर विकास के ऊपर बहस शुरू हो गई है कि बनारस में इतना विकास हुआ, क्योटो बना नहीं बना, लेकिन बात यह है कि अगर इतना ही विकास हो रहा था तो ऐसी जरूरत ही क्यों आन पड़ी कि यहाँ पर टैक्स वसूलने की नौबत आ गई। देखिए, मैं इन राजनीतिक बहस में उलझना नहीं चाहता जी, क्योंकि दोनों दलों की अपनी एक नई विचारधारा है और वो दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर अगर विकास हुआ भी होगा मैं कहूंगा तो क्या समाजवादी प्रवक्ता मान लेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन काशी की जनता को दिखता है। और मैं एक काशी के आम साधु संत के नाते कह सकता हूँ, बेशक काशी का विकास हुआ है, हर दृष्टि से हुआ है। हाँ, पक्ष विपक्ष में कहने के लिए बहुत सारे तर्क बहुतों के पास होते हैं, वो राजनीतिक बहस का हिस्सा है। हाँ, जहाँ तक टैक्स लगाने की बात है, ये कोई ऐसा टैक्स नहीं था कि इतना बड़ा टैक्स हो कि जिससे उनके राजस्व में वृद्धि होने जा रही थी, कहीं कहीं नियति का सवाल था। एक वर्ष में 100 रुपए किसी पंडा से रजिस्ट्रेशन के नाम लेकर कर लेते, लेकिन यह प्रश्न कहीं कहीं इनके नियति से जुड़ा हुआ सवाल था। नियति से जो जुड़े हुए प्रश्न होते हैं वो ज्यादा घातक होते हैं कि आज अगर 100 रुपए तो हमने स्वीकार कर लिया तो कल लगता है 1000 रुपए में बदल सकता है। अलग अलग सरकारों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो इस नाते धर्म के आधार पे, किसी भी धर्म संप्रदाय पे, मैं टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध रहा हूँ और रहूंगा। हमारा टैक्स बात कर रहे थे तो राजनीतिक बात है, इसके चक्कर में मैं नहीं। आनंद जी, ये बताइए, जो टैक्स लगाने की बात की जा रही थी और फिर ये जो बात सामने आई कि बाध्य नहीं है तो बाध्य नहीं होगा, तो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, तो इस पर क्या बात हुई है वहाँ पर? और दूसरी बात, ये टैक्स कहाँ कहाँ लगाने की बात हो रही थी, किस किस से वसूलने की बात हो रही थी? किस किस से वसूलने की बात ऐसा नहीं था,
में जो मूल में जो उन लोगों ने सफाई की उसमें यह था कि काशी के विभिन्न घाटों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, निःशुल्क अलाट होते हैं कार्यक्रम करने के लिए, हजारों हजारों लोगों के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बाद में वो गंदगी का अंबार छोड़ के जाते हैं। हाँ। और काशी की घाटों की सफाई प्राइवेट एजेंसियां करती हैं, उसका भुगतान नगर निगम करता है। तो ऐसे कार्यक्रमों पर तो हुआ कि इस अगर आपको टैक्सेशन करना है सफाई के नाम पे, तो बगैर परमिशन के तो कार्यक्रम होते नहीं है। जी। तो अगर बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए पहले के समय में चैनलों को जो बहस के लिए इजाजत दी जाती थी, वहाँ पे इतने झगड़े होने लगे कि प्रशासन ने बहस के लिए गंगा घाटों पर इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार सांस्कृतिक आयोजनों में विभिन्न चैनल, टीवी चैनल ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज की बहुत सारी शूटिंगें हैं, लेकिन वो एक गंदगी का अंबार छोड़ के जाते हैं, यह भी एक सच्चाई है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों पर अगर आपको सफाई का पैसा लेना है तो आप सीधे लिखिए कि इसकी सफाई पर इतना खर्च आता है और जिसको आप परमिशन दीजिए उससे सफाई का पैसा लीजिए, अथवा ये परमिशन में लिखवाइए कि हमने जैसा घाट आपको दिया था आप वैसा ही घाट हमें देंगे और उसके लिए एक जमानत राशि रखिए, अगर वैसा घाट मिला तो ठीक, नहीं तो जमानत राशि में से काट के सफाई करवाइए। ये पूरे देश में कमोबेश जहाँ भी आयोजन होते हैं वहाँ संस्थाएं करती हैं। तो ऐसा, लेकिन इसमें तीर्थ पुरोहित पंडे धार्मिक क्रिया ये धर्म के आधार पर मान्य नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छा सुझाव भी यहाँ पर दिया है आनंद जी महाराज ने। राजीव जी, क्या ये ऐसा तो नहीं, यही सब इस चीज सोच रहे थे और हो गया उल्टा बिना सोचे समझे? देखिए, इसकी देखिए अभी सारी, आप दूध का दूध पानी का पानी होगा, अभी सब चीजें निकल के आई हैं और तत्वों के आधार पर अभी आपको शाम को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होके सब हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, तो हम ये माने, इस पटल पे आज काशी का नाम है, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। फरमान नहीं आएगा? देखिए, फरमान आया भी नहीं है और कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसको भी देखा जाता है क्या हुआ है, अभी वो भी जा चुके विषय पे है। फरमान तो आया था लेकिन वापस लिया गया है, ये कह रहे हैं यहाँ पर नीलकंठ तिवारी जी कि बाध्य नहीं है, अभी ये बात सामने आई है। तो ये मत बोलिए कि यहाँ पर फरमान नहीं आया था। राजीव जी, बिल्कुल आप कह रही हैं, लेकिन मैं भी आपसे विश्वास करिए, विश्वास मानिए, आप बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ तत्वों के आधार पे बता रहा हूँ, तत्वों पे बिल्कुल सही बता रहा हूँ और निश्चित आपको ये कुछ ना कुछ अभी आपको शाम को पूरी। चलिए, अच्छा, और इंतजार कर लेते हैं। जरा कपीश जी कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। हम ये कह रहे थे दीपाली जी कि अगर फरमान नहीं आया होता तो वापस ये किस होते, बहुत बड़ी चीज है, जब फरमान आया है तभी ये वापस ले रहे हैं, उसको छुपाने की क्या कोशिश कीजिएगा? बाद में जांच आपका समझ में आ रहा है कि आप क्या जांच कराएंगे और क्या करवाएंगे, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन हकीकत क्या है कि देखिए, हम सेस के रूप में भी टैक्स वसूल करते हैं, चाहे वो पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए और साफ सफाई के लिए अलग से, नगर निगम का टैक्स भी साफ सफाई और नाली सफाई ये सब के साथ, रोड का विकास, पथ प्रकाश का विकास, इसके लिए ही तो आप मकानों पे टैक्स लगाते हैं और क्या बोलते हैं मैरिज हाउसेस पे लगाते हैं, अस्पतालों पे लगाते हैं, नर्सिंग होमों पे लगाते हैं, दुकानों पे लगाते हैं, इसी चीज के लिए लगाते हैं ना। तो जो चीजें धर्म से जुड़ रही हैं वहां पे तो आपको विचार भी नहीं करना चाहिए। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जो था उसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे कि गंगा का तट कितना साफ हो गया। आखिर गंगा के ही प्रोजेक्ट की तो मंत्री थी उमा भारती जी, आपने फिर क्यों उनको हटा दिया? और गंगा पुत्र की हत्या जो उत्तरांचल में की गई, क्या वो अग्रवाल जी की हत्या किसी से छुपी हुई है कि किसकी पुलिस ने उठा करके तरबूज की तरह पटक दिया था उन्हें? तो वो सारी चीजें हैं। देखिए, जनता के आंख में वो भ्रमित मत कीजिए, हम लोग भी जान रहे हैं कि आप लोग, आपको जनता का आईना देख लेना चाहिए, जनता का इनको आईना दिखा दीजिए, हमारे जो ये बिचारे भी आईने से दर्द के पीड़ा में हैं, जितना टैक्स लगाना चाहिए लगाइए, आप तो लगाते ही रहेंगे। आप उन लोगों को भी छूने का काम कर रहे हैं जिनकी आस्था आज भी आपके साथ बहुत बड़े रूप में जुड़ी हुई है। और हमारे जो स्वामी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते, दोनों विचारधारा जो है, दोनों की अलग अलग विचारधारा है और अलग अलग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से उन बातों की पुष्टि की है कि क्या है और क्या नहीं है। तो मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूँ स्वामी जी से कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर
हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं, क्या हमारे उसके अंदर आईआईटीज नहीं आते हैं, मेडिकल कॉलेज और एम्स नहीं आते हैं, क्या बेरोजगारी के लिए रोजगार नहीं आता है, क्या एमएसएमईज के जो हमारे उद्योग हैं वो नहीं आते हैं? अगर इन पर आप बताइए ना कि कितने उद्योग लगवा दिए गए, कितने एम्स बनवा दिए गए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए गए, कितना क्या बनवा दिए गए? केवल एक नदी का 200 मीटर का पार्ट साफ करा के घाट साफ करा देना ही विकास नहीं होता। ठीक है, आपने बात कही लेकिन मेरे पास समय नहीं है इतना, इसलिए मैं माफी मांगूंगी आपसे क्योंकि मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगी। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब उम्मीद यही की जा रही है कि फिलहाल तो फरमान वापस लिया गया है, लेकिन धर्म को कम से कम छोड़ देना चाहिए, ये संविधान भी कहता है। और आगे से इस पर अगर इस तरीके के सर्कुलेशन जारी होते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि भरोसा जताया जा रहा है कि किसकी चूक हो गई, कैसे हो गई, इस पर यहां पर आश्वासन दिया गया है कि जरूर इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।